सकता है, इसलिए प्लीज। मैंने अपने बच्चों को जहां भी जाता हूं एक छोटा एग्जांपल देता हूं कि तू फैन को देख रहा है, फैन फिजिकल बॉडी है, फैन दिखाई दे रहा है लेकिन बिजली जो उसमें आ रही है वो दिख नहीं रही है। क्या तुमने कभी बिजली को देखा है उस फैन में? तो उसका आंसर होता है नो। हमने कहा तो बिजली चल रही है कि पंखा चल रहा है? तो सारे बच्चे बोलते सर दिखाई तो पंखा चलते हुए दिखता है। तो क्या तुमने पंखा चलते हुए तो विश्वास कर लिया कि पंखा चल सकता है? क्या पंखा में चलने की ताकत है? बोला नो। तो फिर जो दिखाई दे रहा है वो चलता नहीं है और जो नहीं दिख रहा है वो चलता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो हम पूजा किसकी कर रहे हैं? शरीर की, पंखे की। अरे पंखा हैवेल्स का हो सकता है, फिलिप्स का हो सकता है, सोने का हो सकता है, पाकिस्तान का हो सकता है, इंग्लैंड का हो सकता है, काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। इस फिजिकल बॉडी पे क्यों विश्वास किया? हमें विश्वास करना था उस इलेक्ट्रिसिटी पे जो पाकिस्तान में भी नाम इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंग्लैंड में भी नाम इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंडिया में भी नाम इलेक्ट्रिसिटी है और उसको किसी ने देखा ही नहीं। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, हम गलत परिभाषा दे रहे हैं। वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू आवर चिल्ड्रन। हम फिजिकल बॉडी देख के पढ़ाते हैं, ये काला बच्चा है, ये गोरा बच्चा है, ये क्लास में फर्स्ट कर रहा है, ये क्लास में लास्ट कर रहा है। हम आमदनी देख के पढ़ाते हैं, इसका तो बहुत पैसा वाला बाप है, इसका तो बहुत गरीब बाप है। आई थिंक वी शुड स्टॉप इट। हमको फिजिकल बॉडी देख के नहीं पढ़ाना, हमको जात देख के नहीं पढ़ाना, हमको धर्म देख के नहीं पढ़ाना। विवेकानंद का यह स्कूल है, एंड इफ विवेकानंद एवर सेड इट, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा गॉड इज फ्लोइंग इन टू माई बॉडी, ये भगवान जो है वो मेरे शरीर में घूम रहा है। इसको बॉब प्रॉक्टर कहते हैं आई एम ए सेंटर ऑफ डिवाइन ऑपरेशन, यानी भगवान मेरे में, मेरे से, मेरे द्वारा, मेरे लिए काम करता है। आई एम वॉकिंग एज अ गॉड, सो आई एम गॉड। अगर सारे बच्चे ये फील शुरू कर दें तो फिर इस दुनिया में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी, एंड दे विल बिकम ए सुपर स्टार एंड नोबडी कैन स्टॉप देम टू सक्सीड इन देयर लाइफ। करना कुछ नहीं है, करना एक ही चीज है, क्रिएट एन आइडिया, क्रिएट एन आइडिया आपके अपने लाइफ के लिए क्या चाहिए। बार बार जब क्रिएशन करना है ना तो तुमको बार बार पूछना होगा व्हाट आई लाइक मोस्ट, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। तुम ये मत बोलो पापा को क्या अच्छा लगता है, टीचर को क्या अच्छा लगता है। व्हाट यू आस्क टू योर सेल्फ व्हाट आई लाइक मोस्ट, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अच्छा लगता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, लता मंगेशकर को जब छोटी सी थी, वो तुम्हारे पांचवें छठी क्लास में थी, तो उसका बाप को पैरालिसिस अटैक मार दिया। तीन बहनें एक भाई खाने के लाले पड़ गए, और उस औरत ने क्या किया, वो छोटी लड़की ने हारमोनियम उठाया और गाना गाना शुरू कर दिया, चूंकि उसको वही आता था। और आज वो गाना गाते गाते सारे गामा पा सारे गामा पा दिन भर वही रिपीट रिपीट रिपीट, एंड सी बिकेम भारत रत्न। मरने के पहले वो पांच हॉस्पिटल छोड़ गई और अपनी सारी संपत्ति उस हॉस्पिटल को दे गई। That is called success. विराट कोहली, तुम जिसके फैन हो, उसका बाप मर रहा था हॉस्पिटल में, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। लोगों ने कहा कैसा अभागा बेटा है जो बाप के लास्ट पे क्रिकेट खेल रहा है। तुझे मालूम नहीं था कि उसका पापा, विराट कोहली का पापा रणजी ट्रॉफी प्लेयर था, वो नहीं खेल पाया इंडिया के लिए, इसलिए उसने सपने बोए थे अपने बेटे में कि तू इंडिया के लिए खेलेगा, तो इसलिए वो खेल रहा था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा अभागा है, नालायक है, बाप के लास्ट पे क्रिकेट खेल रहा है। एंड सी व्हाट हैपेंस, उसने किसी की नहीं सुनी, उसको अपने पिता को दिखाना था कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ डैड, पापा मैं खेल सकता हूँ पापा, और उसने खेल के दिखाया, और आज तुम उसकी पूजा करते हो। दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। तुम्हारी कमिटमेंट नहीं है। दूसरी बात, पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि आप उस बच्चे की आइडिया बनाने में मदद करें, आप अपनी बात को थोपे नहीं कि तुझे यही करना है। कभी भी हम नहीं थोपे, ये डिजिटल वर्ल्ड है, आज उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। हम केवल डॉक्टर इंजीनियर और आईएएस के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। बिहार के लोगों की बहुत बड़ी बीमारी है, मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नहीं तो आईएएस बनेगा, उसके लिए कोटा जाएगा, जमीन बेच के बेच दीजिए, उसके लिए जाएगा मुखर्जी नगर में बैठ के। आपको मालूम पिछले साल 2022 में 2,00,000 बच्चे 99% से ज्यादा नंबर लेके आए थे सीबीएसई और आईसीएसई में। कितने बच्चों का नीट में हुआ?
10,000, कितने बच्चों का आईआईटी में हुआ 6,000, कितने बच्चों का जेई में हुआ 6,800, जोड़ दीजिए तो 22-25,000 हुए। तो बाकी के बच्चे कहाँ गए? वो कोई हॉस्पिटल में है, कोई दारू पी के मरा, कोई ड्रगिस्ट हो गया, और कोई अपने आप को बर्बाद कर लिया। प्लीज बच्चों को बताना है कि यू वॉट यू लव, तुम्हें क्या अच्छा लगता है डिसाइड करो और वही चीज करो। आज हर चीज में पैसा है। मैं बोल के 20 लाख कमा रहा हूं, मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं। कुछ लोग बोलेंगे बोल के पैसे नहीं आते, और देख मैं बोल के लिख के पैसे कमाता हूं। आज जितना पैसा बोलने में है, आज हिंदुस्तान में आने वाले 5 साल के अंदर हजारों माइंड ट्रेनर और लाखों मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत है। हर गांव में जरूरत है, हर घर में जरूरत है, बट वी डोंट नीड इट। हम तो गाली गलौज से ही फुर्सत नहीं है, मारपीट से ही फुर्सत नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, जितने पेरेंट्स बैठे हैं, यू मस्ट चेंज द थॉट्स। हमारे घर में पूजा नहीं होती है, हमारे घर में अनुष्ठान नहीं होते, हमारे हाथ में मोबाइल बैठे हुए, सूरज अस्त हो रहा है और हमको डर नहीं लगता। वी आर नॉट प्रेइंग। और जब तक हम प्रेयरफुल नहीं होंगे, हर बच्चे को शाम में क्यों भेजा ट्यूशन करने के लिए? मैं हर उस गार्जियन से पूछना चाहता हूं कि शाम में सारी चिड़िया भी अपने घर में आती है, सारी चीजें, नेचर अपने घोंसले में लौटता है, और हमारा बेटा मॉल में घूम रहा है, हमारा बेटा मार्केट में घूम रहा है, क्या तो ट्यूशन पढ़ने जा रहा है? अरे वाई, अगर ट्यूशन पढ़ना है तो सुबह जा। शाम में कोई भी आदमी रात में अपने घर से नहीं निकलता, और हमारा बच्चा रात में मॉल में घूम रहा है, दिल्ली में, मुंबई में, पूर्णिया में, बड़े बड़े शहरों में, ट्यूशन के नाम पे। नो, इट इज नॉट अलाउड। आपके हाथ में वो चाबी है।